हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको मैं बहुत खुश लग रही हूँ क्योंकि आज है हमारी 5th एनिवर्सरी। तो देखते हैं, आज हम सेलिब्रेट तो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं जा रही हूँ आज चंडीगढ़ और ये यहीं पर है। ये बस मुझे बस स्टैंड तक छोड़ के आएंगे। मैं यहाँ से नारकंडा तक बस में जाऊँगी, वहाँ से मैं अपनी सिस्टर एंड जीजू को ज्वाइन करूँगी और मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। और उनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, उसकी बहुत फेवरेट चीज़ है जो मेरे बैग में है, इन दिस बैग, एंड शी हैव नो आइडिया एंड नो क्लू एट ऑल। तो देखते हैं। वैसे वो आप लोग सोचोगे जब मैं दूंगी कि इतना खास क्या था उसमें, पर आप लोग नहीं समझ सकते जो रामपुर से, वो समझ पाएंगे कि इस चीज़ में इतना खास क्या है। गुड मॉर्निंग एंड विश यू हैप्पी एनिवर्सरी टू होम, टू मी, टू बोथ, टू बोथ। तो यहाँ मैं बैठ गई थी बस में और मुझे सीट भी अच्छी मिल गई थी और आप देख सकते हैं मैं नारकंडा पहुँच गई हूँ। और अभी भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और ये है मेरा भतीजू, मतलब मेरे भैया का बेटा है। और देखो ये दोनों बच्चे कितने क्यूटली खेल रहे हैं और कैमरे से दोनों इतने मतलब शर्मा रहे थे, नज़दीक ही नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक और सरप्राइज़ मिला, यहाँ मेरे पापा मुझे मिलने आए थे। और यहाँ हम शिमला पहुँच गए। ढली टनल आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत ही कल्चरल पिक्चर्स बनाई गई है जो बहुत ही प्यारी लगती है। और आप लीजिए खूबसूरत नज़ारे का आनंद। नारकंडा तो ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास पहुंची थी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, वहाँ पे मेरे मामू का घर है तो हम वहाँ पर रुके थे। तो ऑलमोस्ट हम 1 घंटा वहीं पे थे। तो मैंने ज़्यादा शूट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत शूट किया, वो मैं आपके साथ ऐड कर दूँगी। तो इन दोनों ने भी मुझे वहीं पर ज्वाइन किया है। मैं बस में थी फिर भी ये मेरे से बात पहुँचे, हम तेरे साथ थे। नहीं आप तेरी बस ने हमें पास नहीं दिया तो हम क्या करें। दीदी है, लगती नहीं है पर है, धोखा देती है लोगों को अपनी एज दिखा के बता के। जीजू है, से हेलो। या 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 अभी तो बोलना पड़ेगा, हेलो हेलो बोलना पड़ेगा, हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम ऑलमोस्ट सोलन पहुंच ही गए हैं पर यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं और भूख से बुरे हाल हो गए। अभी ऑलमोस्ट 3:15 हो गए, 3:30 ही हो गए और भूख इतनी लग रही है और ये मेरे को कुछ खिला भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब हम अपने रास्ते पे है। तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो ये रास्ता सोलन को जाता है और हम जा रहे हैं राइट साइड, जिसका मतलब है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो इस व्यू को आप भी इंजॉय करें। तो आप ये टनल देख सकते हो, ये काफ़ी टाइम से बंद थी, अब ये खुल गई है और ये सोलन के थोड़े बाद ही आती है। तो अगर आप इस टनल से जाओगे तो आप कम से कम अपने 15 मिनट तो बचा ही दोगे और आपका काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाएगा। सेकेंड टाइम विनर हमारी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज आप हम आपको लंच कराएंगे इसी बात में। हम लिटरली शिमला से डिसाइड करें कि हमको कहाँ खाना है और हम क्या खाएं। फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं घर जाके खाना खा लेते हैं। वाओ नाइस, लड़की की वजह से आपको खाने को नहीं मिल रहा है क्यों? मतलब बता भी नहीं रही कि हम कहाँ खाए। ये बिल्कुल झूठ है, तो खुद नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ खाना है। लिटरली जीजू ने हम आपको 7 ऑप्शन तो दे ही दिए है तब से लेकर, शिमला से लेकर, बट ये लड़की मान नहीं रही है कहीं पे भी। सारी जगह के बोलती है यहाँ पे ये अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे वो अच्छा नहीं होगा। मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग डिसाइड करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ आप नहीं खाओगे फिर? थोड़े से खा लेंगे, अगर थोड़े उससे ज्यादा खाया तो चलो थोड़ा सा ये दे देंगे, थोड़ा सा तू दे दियो। और जितना आपने हाथ को यहाँ देखो सी इतने से इतना किया एकदम से, उसका मतलब हम समझ गए। वैसे देखो तो कैसे जा रहे हैं, हमको हर जगह पे ट्रैफिक मिल रहा है, हर जगह पे।
चंडीगढ़ और हिमाचल के बीच में पड़ता है, और मतलब स्वीट्स वगैरह की है ही फेमस, पर बाकी भी खाना भी अच्छा है। तो अभी हमने ऑर्डर तो किया है, अभी ऑर्डर तो आया नहीं है अभी तक। यहाँ पे लाइट्स भी अच्छी नहीं आई थी, अब लाइट अच्छी आई तो मैं सोचा शूट कर लेती हूँ। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आई है फ्रेश लाइम सोडा, जिसमें जिसको हमने सॉल्टी प्लस शुगर बनाया था, ना इसमें सॉल्ट है ना इसमें शुगर है। मेरा कैमरा जस्टिस तो नहीं कर रहा है, पर ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ की कुल्फ़ी यहाँ की स्पेशलिटी है। तो ऑर्डर भी अब आ गया है, तो पहले खा ही लेते हैं। लेके जा रहे हैं क्योंकि खाना तो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब आपको मिलते हैं सीधे चंडीगढ़ मोहाली में। सामने आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये परमानु सब्जी मंडी है। हिमाचल के सारे लोग मोस्टली यहीं पे अपने सेब बेचने के लिए आते हैं। उसी के साथ हम कर चुके हैं चंडीगढ़ में एंटर और हो चुका है ट्रैफिक लाइट्स का सिलसिला जारी। और अब आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक लग रखा है। चंडीगढ़ में कभी भी रश कम नहीं होता, हमेशा यहाँ पे रश रहता ही है। और चल रही थी बहुत ही अच्छी हवा और साथ में मतलब ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक, फिर भी चंडीगढ़ है तो सुंदर चाहे जो मर्ज़ी बोलो। तो उसी के साथ कुछ सब्ज़ियाँ ले लेते हैं घर के लिए। यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि हम दोनों इतना हंस रहे थे कि मेरी आवाज़ कैमरे में क्लियर आ ही नहीं रही थी। मैं कह रही थी इसे यहाँ पर बीमारी में भी अपना एंगल ही परफेक्ट चाहिए। आ गई है जी हमारी सब्ज़ियाँ। जब कोई आदमी बीमार होता है ना तो आपको उस पर मतलब तरस सा आता है। मेरे को तरस नहीं आ रहा है, बिल्कुल इस पर हंसी आ रही है। जब भी बीमार होते हैं इतनी फनी पता नहीं कैसे हो जाती है। ये बोल रही है इस जीजू को पानी लाने भेजा है, ये पूरी बात भी बावड़ी से पानी लाने गए। फाइनली अब हम पहुंच गए घर, घर मतलब मोहाली में जहाँ पर ये रहते हैं। आप मेरी शक्ल से बता सकते होंगे कि आज कितना थक गया। मैं सुबह 8 बजे से बैठी हुई हूँ बस में, और नारकंडा तक तो मैं बस में ही आई थी, तो 3 घंटे तो बस ने मुझे वहाँ तक लगा लिए थे। उसके बाद का सफ़र भी बहुत लंबा ही था क्योंकि आज हमको ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर कुछ भी ऐड करने को होगा वो मैं ज़रूर आपके साथ ऐड करूँगी। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू जो भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इतना ही सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय, थैंक यू सो मच।